Good morning, friends. A successful trader must learn to be a good loser before he can start winning. करियन अडेली कोडेही। आप बाजार को कितना देने के लिए तैयार हो वो आपको पता होना चाहिए। उससे ज्यादा कभी भी नहीं देना है बाजार को। हाउ मच यू कैन लूज दैट शुड बी प्री डिफाइंड। करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 2nd of December। डॉलर इंडेक्स काफी वीक हो चुका है, 104.80। अब देखोगे कि ये पिन बार का लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 105.40 के नीचे, और वहां से आपका 60 पिप्स का नीचे आ चुका है। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? आप अगर मेरा रेगुलर एनालिसिस देखोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं किस हिसाब से एनालाइज करता हूँ आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ये है प्रीवियस जोन जहां से डॉलर इंडेक्स ऊपर गया था। दैट बीइंग द केस, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी बेसिकली हमें यहाँ पे करंट लेवल पे सेल नहीं करना है। हालांकि डॉलर इंडेक्स ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे जीबीपी में इसका उल्टा होगा, उस करंट लेवल पे हमें बाय नहीं करना है। क्यों? ये डॉलर इंडेक्स अभी करंट जो लेवल है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां से आपका एक यू टर्न मारा था इंडेक्स। कब मारा था? August 11th। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि डॉलर इंडेक्स कैसे प्ले अराउंड कर रहा है। यहाँ पर फिर थ्री पॉसिबिलिटीज, एक डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक करेगा थोड़ा ऊपर की तरफ, और थर्ड प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा एंड कंसोलिडेट करेगा। अभी ये तीन ऑब्जर्वेशंस में क्या ऑब्जर्व करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी कल ड्यूरिंग द डे आपका ये 80.9899 छू के फिर ऊपर गया था 81.3132 तक। ऐसा लग रहा था कि सम रिजर्व बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आर गोइंग ऑन एंड आल्सो ऑयल रिलेटेड बाइंग सीन इन द मार्केट। यहां पे With respect to dollar index, GBP dollar, euro dollar, dollar yen, उस हिसाब से appreciations हो नहीं रहा था। आपका जो रेंज था 81.40 के नीचे हमें एक सेल ऑफ देखने वाले थे, जो आपका पिछले दो दिन में हमने देखा है। अभी 81 is crucial, क्या यहाँ पे invisible buyings हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा carefully monitor करना है। जीबीपी डॉलर अच्छा खासा बाउंस अभी है आपका 1.2237। ये यहाँ पे देखिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है जीबीपी डॉलर में। जैसे डॉलर इंडेक्स में क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक क्रूशियल आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। मेरे को लगता नहीं कि ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है इसको इतना आसानी से जीबीपी प्राइस ऊपर चला जाए, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्ले अराउंड हो सकता है, मे बी कंसोलिडेशन और मे बी थोड़ा सा पुल बैक लोअर। जीबीपी एनएल में भी अच्छा खासा पुल बैक हुआ है और ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर चला गया है कन्विंसिंगली। कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशंस बहुत ही बढ़िया है आपका। दैट बीइंग द केस, ये करंट लेवल पे बाई ना करते हुए अगेन पुल बैक में बाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। यूरो डॉलर सिमिलरली अच्छा खासा उछाल देखा गया है 1.0511। यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे 1.0575 से 1.0600। सो
जो ऑलरेडी लॉन्ग ले चुके हैं लोअर लेवल्स में, वो अपना स्टॉप लॉस ऊपरली ट्रेल कर सकते हैं फ्रेश इनिशिएशंस के लिए, फिर दोबारा पुल बैक का इंतजार करें, पुल बैक टुवर्ड्स द सेंटर बैंड। जीबी यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है और आपका यहाँ पे लॉन्ग लेना नहीं है। जो लोग लॉन्ग ले चुके हैं उन लोगों को ट्रेल करना चाहिए एंड फ्रेश लॉन्ग वालों के लिए पुलबैक का इंतजार करना चाहिए। डॉलर येन में अच्छा खासा 135.16, आप देखो कहाँ पे था 150, फिर लोअर हाई लोअर लो पावर, ये है एक ट्रेंडेड मूवमेंट। तो आप अगर मेरे को पूछोगे ये लेवल पे क्या करूं, आप अगर पूछोगे करंट लेवल पे, ये तो सब कहानी हो चुका है, यहां से यहां आया, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द मेन क्रक्स। व्हाट नेक्स्ट में आपको आएगा, अगेन हम एक पुल बैक के लिए इंतजार करेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिक देने दीजिए, लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। करंट लेवल पे सेल करने से शायद आपको मिल सकता है, शायद आपको नहीं भी मिल सकता है। एज पर डॉलर इंडेक्स सपोर्ट जोन पे है, जैसे कि यहाँ पे करंट लेवल पे सेल करना उचित नहीं होगा। पुलबैक के लिए इंतजार करते हैं एंड सेल करते हैं। सेल ऑप्टिक्स यहाँ पे अच्छा आपको पैसा बना के दे सकता है। ये नाइनर में अच्छा खासा उछाल आया है, ये रेजिस्टेंस लेवल को कल क्रॉस कर चुका है। व्हाट नेक्स्ट, सेम आंसर, नीड टू वेट फॉर ए पुल बैक, क्योंकि काफी कहां से कहां तक आया है। आप देखो 0.5890 से आपका 0.5992, 100 pips का एक मोमेंटम, दैट बीइंग द केस पुल बैक देन बाय। एंड ऐसे भी यहाँ पे इमीडिएटली बाय नहीं करना है, आप देखो नेक लाइन रेजिस्टेंस लाइन काफी रेजिस्टेंस है आपको, मैं रिस्क रिवार्ड बढ़िया नहीं आएगा। डॉलर कैंडी 1.3442 यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसीज। डॉलर इंडेक्स के साथ साथ अगर चलता तो इसको इस लो को तोड़ के 1.3250 को तोड़ के नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, हमें इसको थोड़ा सा नए सिरे से देखना चाहिए। एंड एज ऑफ नाउ ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, इसके लो को तोड़ने का इंतजार करना है। इसका कैलकुलेशन डिफरेंटली वी नीड टू एनालाइज। ऑसी डॉलर 0.6803 दैट बीइंग द केस अच्छा खासा उछाल आया है, सेम आंसर, डोंट गो लॉन्ग ऑन करंट लेवल्स। कोई अगर नीचे के लेवल पे बाय किए हो तो उसको ट्रेल कीजिए, फ्रेश लॉन्ग ही खेलना है, पुल बैक के लिए इंतजार करना है। डॉलर सीएनएच 7.0449 ये आपका इस लेवल पे 7.0150 के लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे ये वेट एंड वॉच वाला बात हो चुका है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना है। हमेशा हमें फाइटिंग के लिए तैयार नहीं होना है, ट्रेडिंग इज नॉट ए फाइटिंग गेम, इट्स एन इंटेलेक्चुअल गेम। आप अपना तैयारी करते रहो एंड जब मौका आएगा तभी पंच मारो, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए फिशिंग गेम, आपको इंतजार करना पड़ेगा कब मछली आपके फिशिंग हुक में जाके अटकेगी, तब तक इंतजार करना, ताकि उस फिशिंग हुक को कभी इधर कभी उधर, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी आगे कभी पीछे करना है। नो, यूकेएल अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, 87 पे अभी है, ये लेवल पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए जो हमने पहले एनालिसिस में किया था। अभी कल का जो प्राइस है एक इन्वर्टेड पिन बार है, हालांकि लोकेशन ग्रेट नहीं है, बट पिन बार का इम्पोर्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल पे बना है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे इजीली ये आपका 8850 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 3.539 वाओ, ये लो को तोड़ चुका है। आज क्या है, इसको फर्दर डाउन होना है तो इसके लो के नीचे फॉलो थ्रू देना चाहिए, एल्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।